अब हम जा रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, जो कि कटरा बाजार पे घूमेंगे फिरेंगे, ऐस करेंगे और जो लेना होगा वो लेंगे। सभी के सभी रेडी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अक्कूडॉन लेटे हुए हैं। वो ये हमारा कहाँ गया, किधर जा रहे हो? सभी रेडी हो चुके हैं, दिखाते हैं। और अभी हम यहाँ पे अंधेला हो गए, हमारी दीदी तैयार हो गई है, कह रही है हमें कुछ लेवाएगी, देखते हैं क्या ले। यहाँ पे सब रेडी, भैया भी रेडी, और हम लाइट वाइट ऑफ करते हैं और निकलते हैं, तारा को लगा देंगे और देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह हम इस तरीके से करेंगे। और चलिए उतरते हैं गाइस। ऐसा लग रहा है, देख सकते हो गाइस, ये मेन चौराहा है माँ वैष्णो देवी के, यहाँ से जाने का बस स्टैंड सामने है और यहाँ से जाते हैं। बढ़िया सा फुहारा, तो अभी हम सभी के सभी रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत घूमने यहाँ जो मेन मेन जगह हैं, क्योंकि हमने गाड़ी की है ट्रेवल वाली, तो उसी में जाएंगे और शाम में अपनी ट्रेन है तो हम घर निकलेंगे शाम में। और हम इस कमरे का कर देते हैं लाइट ऑफ, जो सामान है उसको भी लेते हैं और निकलते हैं गाइस। और जो अच्छा अच्छा घूमने का जगह रहने वाला है हम सभी आपको वो दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग पे। और शाम में जैसा कि करीब 6 बजे के समथिंग, शायद 5:50 अपनी ट्रेन है तो घर जाएंगे, ठीक है। तो अभी निकलते हैं सीधे, गाड़ी अपनी आ चुकी है शायद नीचे, तो चलते हैं। गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है और चलते हैं घूमने। थे होटल में चाय वगैरह पिया हमने, ये खड़ी बहन अपने सरदार जी ने नाश्ता किया ड्राइवर से, तो चलते हैं। इसके बाद चाय नाश्ता हो गया, निकलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं देवी माँ के पहले दर्शन के यहाँ पे, जो कि नाम है
कैल कांडली करके नाम था शायद ही ऐसा, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत आराम से दर्शन वगैरह किया है, सब मूर्ति वगैरह यहाँ पे रखी हुई है ऊपर। और आगे चलते हैं, यहाँ पे माना जाता है, कहते हैं कि जब देवी माँ यहाँ पे पहली बार कटरा के पहाड़ पे जा रही थी वो, तो यहाँ पे पहली बार उन्होंने झूला झूला था। तो यहाँ पे ये मान्यता है कि झूला वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे तीनों देवियाँ बनी हैं, काली माँ और सरस्वती माँ और दुर्गा माँ जो भी है ना। और यहाँ पे इस स्तंभ को देखें तो भाई ऐसा लगता है कि इस पर पानी 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 पूरा डला है, लेकिन भाई जब छू के देखते हैं तो पानी नहीं है, ऐसा कुछ चमक रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा नज़ारा था, और देख सकते हो आप लोग बाकी। और ये देखो गाइस, ये रहा झूला जो कि अभी भी यहाँ पे उन्होंने घाल के रखा हुआ है झूले को, ताकि लोग आए उनको पता चले कि हाँ यहाँ पे झूला वगैरह। और यहाँ पे कहते हैं कि देवी माँ ने चांदी का कैल घिसा था, तो यहाँ पे पानी लिख रहा था, तो इसे पीने में मन में शांति मिलती है, और बाकी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करने। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और यहाँ पर बाहर आपको लॉकर का सुविधा मिल जाएगा। यदि कोई आप चमड़े का बेल्ट यूज कर रहे हो तो उसको जमा कर सकते हो, बाकी की चप्पलें भी जमा हो जाएंगी लॉकर पर। लॉकर की सुविधा है, तो जो चार्ज होगा वो होगा, बाकी इधर आपको अपना हाथ वाथ धुलने के लिए सब कुछ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा है इधर का, बाकी अंदर चल के दिखाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइस अभी हम काली माता का जो मंदिर है जम्मू में हम घूम चुके हैं, वहाँ का दृश्य है प्यारा प्यारा। और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे फुब्बारे चल रहे हैं बहुत ही आराम से, और भाई साहब घूमते घूमते हालत गंभीर हो गई है, पसीना से लथपथ है। आज पता नहीं गर्मी इधर है या फिर हमेशा ही रहती है, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे काफ़ी ठंडा रहेगा जम्मू कश्मीर जम्मू, लेकिन फ़िलहाल में ठीक है, अच्छा लगा इधर घूम करके। अच्छा मंदिर बना हुआ है बेहतरीन तरीके से, और इधर में बागी बहू का भी किला है, वो भी हमने घूम लिया है। जो आप ये दीवार देख रहे हैं ना पीछे, ये बस यही है इस टाइप से। और फिर यहाँ से देख करके हाँ, और अंदर ना आपकी जो चप्पलें होंगी, जूते होंगे, मोबाइल, बेल्ट, ये सारा कुछ इधर ही जमा हो जाता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अभी अभी ये फुब्बारे चल गए हैं, अब बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। देखो बढ़िया मज़े दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही धुंधला, थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। बाद में नहीं, अभी तत्काल में ज़्यादा अच्छा रहता है। बर्गर फेल हाँ। तो कैसा लगा ये छोला कुलचा खाने में? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। वो पहले वाला आलू का भाई, अरे वो भी ठीक था। कैसा लग रहा है आपको? तो खाना नहीं था ये, फिर कैसे खा रहे हो? तुम बताओ। अच्छा लगा। बड़ी अम्मा देखो, बड़ी अम्मा कैसा लगो? बढ़िया। और दीदी बहुत बढ़िया है ना, तुमने तो खाया नहीं है। अक्कू कैसा लगा देख के? खाया तो तुमने, खाना ही नहीं मिला। तुमने खाया तो है नहीं, तुम देख के कैसा लगा तुम्हें? बहुत बुरा फील हुआ। बहुत बुरा, छी। हमको किसी ने पूछा भी नहीं। अरे दैया। तो गाइस सब हमने छोले कुलचे खा लिए हैं, अब हम सभी लोग इधर से निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, तो उधर से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। बाकी जम्मू पहुंचने के बाद देखते हैं क्या होता है। रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा वेट करना होगा हमको आधे एक घंटे, तो इस वजह से लगभग 6 बजे के करीब ट्रेन है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो इधर पार्किंग है, बाकी गाड़ी आ रही है।